एयरमैन बनना चाहते हो? हिम्मत है सच्चाई फेस करने की? हर साल लगभग 2-3 लाख लोग अप्लाई करते हैं और लगभग ज्यादातर सभी एक्सपीरियंस होते हैं। अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारी औकात है उन लाख लोगों को पीछे छोड़ने की? क्या तुम्हारी तैयारी है उन लाख लोगों से आगे निकलने की? या फिर सब समय पर छोड़ दिया है? सोच रहे होगे ना, इस साल तो कोरोना आ गया, नेक्स्ट ईयर पूरी मेहनत के साथ दूंगा, पूरी तैयारी के साथ दूंगा, और पबजी का रॉयल पास भी तो ले रखा है। अगर वो नहीं खेलेंगे तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। जैसा जैसे तुम पबजी में लगाए पैसों को बर्बाद नहीं होने देना चाहते, वैसे ही तुम्हारे माँ बाप ने तो पैसों के साथ अपनी उम्मीदें, अपने सपने, अपनी आशाएं, अरे अपनी पूरी जिंदगी लगाई हुई है। क्या तुम उन्हें बर्बाद होने देना चाहते हो? एक साल के लिए उन्हें खराब होने देना चाहते हो? क्या लगता है तुम्हें कोरोना रोकेगा तुम्हें एयरमैन बनने से? पूछो अपने आप से, कोरोना तो आया ही था तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें तुम्हारी राह से भटकाने के लिए, और तुम भटक रहे हो। अरे अगर इस कोरोना को तुम नहीं हरा पाए तो उन लाख लोगों को कैसे हरा पाओगे? उनसे कैसे आगे निकलोगे? तुम एक बात हमेशा याद रखना, कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। ध्यान रखना, एयरफोर्स की तैयारी में सब कुछ पढ़ना, सब कुछ याद करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन जो कुछ भी पढ़ा उसे बार बार लगातार सारी रुकावटों को पीछे छोड़कर हर बार रिवाइज करते हुए पढ़ना जरूरी होता है। एक बार अपने आप से अपनी आंखें बंद करके पूछो कि क्यों आए थे इसमें, क्यों आए थे, इसकी तैयारी करने कोई एम था या सिर्फ पैसा और सुंदर लड़की चाहिए थी? पूछो अपने आप से, शब्द कठोर लगेंगे लेकिन सच में कुछ करना चाहते हो तो सोचना जरूर। और एक बात याद रखना, इस बार क्या होने वाला है एग्जाम में, अब तो बस रड़ होगा, रड़ बड़ा भीषण होगा। जो भी इस रड़ में खाली हाथ उतरेगा वो उड़ा दिया जाएगा, यानी कि जो बिना तैयारी के उतरेगा उसे मार दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।